अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मिस्टर साद और मैं हूं डॉक्टर किशोर। हमारे साथ मौजूद हैं सादुल्ला रहीम, इनसे हम बात करेंगे क्यामे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का बुनियादी मसला करप्शन, दो नंबरी मिस्ट्रीज क्या है, आप किस निगाह से देखते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर साहब आपका कि इस प्लेटफॉर्म से, मिस्टर साज से, हमें अनसॉल्व्ड अनआंसर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो पब्लिक तक पहुंचाए जाएं। अब तमाम कोर वर्ड जो जिसको बोला जाता है ना, वो एक ही निकलेगा कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला करप्शन है। जी मिस्ट्रीज हैं, मिस्ट्रीज से ऐसे के शरीफुद्दीन पीर ज़ादा जी जैसा जी खूबसूरत बंदा, जी वो नवाए वक्त में दी नेशन में जी उनकी हमशीरा फातिमा जिन्ना का जब जिक्र करते हैं कि आलाए कत्ल का जिक्र है, तो किसी के जूं तक नहीं रुकी। फिर लियाकत अली खान, उनका मर्डर, जियाउल हक ऑल्सो, पूरे इसरार हालात में हुसैन शहीद सोहरावर्दी, कार्डिल क्रास्ट, क्यों उनकी बेटी ने कहा वो बेरूत क्यों पाए गए मुर्दा। तो ये अनसॉल्व्ड अनआंसर्ड मिस्ट्रीज है। फिर मुख्तरमा बेनजीर भुट्टो, हमारे तो यहाँ है ना, तमाम शाहत पर हम पानी फेर देते हैं। तो ये है, मिस्ट्रीज हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, अनआंसर्ड हैं, और बदकिस्मती से खित्ते को लीडरशिप उस नवीयत की मिली नहीं जो होनी चाहिए। तो सर, मीडिया का इंटरवेंशन क्यों है, वो अपना किरदार कहाँ अदा कर रहा है? मीडिया, देखें, मीडिया ड्रामेटिकली भी करता है। मीडिया अंडर द पीटीवी, ठीक, जी लेट 60s में जैसे ही हम जाते हैं डिजिटल, तो अब है ना, तो ये चलती रही है। देखें, जब स्टेब्लिशमेंट, और आप दो तीन चीजों को पब्लिक को समझना होगा, हमारे क्लाइंटल्स को, कंज्यूमर्स को, कि जब तक कोई चीज साया शमशीर के नीचे रहेगी, अब यादों से भरा बस्ता, मियां मोहम्मद याद का बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत नावल डाइजेस्ट, और उसमें बहुत से राज हैं, पार्लियामेंट से बजारे हुसन तक। फिर अयूब खान की किताब, जिस रिजल्ट से आती हो परवाज में कोताही, और रिसेंटली सहेल वड़ैच ने, ये कंपनी नहीं चले, तो क्यों वो सारी कॉपीज को हाईजैक किया गया, बंद कर लिया गया। तो डॉक्टर साहब, बात ये है कि मीडिया की ये कनेक्ट करने की जरूरत है। अब जो पावर्स में है वो साइलेंट बैठे, जी, पिस रही है आपकी आवाम, वहां भी सही और है। हम ये इसी अनसॉल्व्ड अनआंसर्ड जो आपने सवाल किया, करप्शन, ये एक झूठा माशरा, जी दो नंबर माशरा, और इसकी इमारत बढ़ती चली जा रही। मैं तो ये अक्सर सोचता हूं, बल्कि फिक्रमंद रहता हूं इस बात पे कि कहीं ये अपने ही वजन पर डिबोल्स ना हो जाए, जी गिरी ना जाए। सर, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगी। आजकल पाकिस्तान में जो दौर गुजर रहा है, छोटे से छोटा बच्चा भी करप्शन में इन्वॉल्व है, तो क्या हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते? देखिए, मंशूर तो अब बड़ा बेहतरीन था, ये जैसे करंटली हम बात कर लेते हैं इमरान खान की, तो जी उनका मंशूर बहुत था कि हम 90 दिन में करप्शन, यही बात जो है ना, ये जुल्फकार अली भुट्टो, सर, जो भी आते हैं वो यही बातें करते हैं। मैं, जी डॉक्टर साहब, मैं वही बताने जा रहा था, उसी की एक सिनेरियो में एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो, वो उन्होंने भी आती ऐसी एक चलाया था निजाम अपना कि हम करप्शन से पाक कर देंगे मुल्क को, हम महंगाई को दूर कर देंगे, लेकिन बिल आखिर उनको भी अशराफिया से हाथ मिलाना पड़ा। बहुत व्यूवर्स मुझे जानते हैं, बल्कि आप भी बेहतर तरीके से इस बात को डिफाइन कर सकती हैं कि आई वॉज ओनली 22 23 के जब से मैं छप रहा हूं, और कम्युनिज्म और सोशलिज्म के नाम पर हमारे पब्लिक जो है इनको दो तीन चीजों ने खा रखा है। जी एक इस्लामिक पॉइंट्स ऑफ व्यू पे ये फौरन वहां पे अपनी निछावर कर देते हैं, होनी भी चाहिए, जहां लेकिन पे इनको अपने फायदे नजर आते हैं, वहां पे इनको इस्लाम याद आ ये जाता भी है। है। और दूसरा, तुम हो मिल्लत के पासदार, देखिए, केमिकल मिला दूध, गंदे पानी में उगी सब्जियां, गधे का गोश्त, मरी हुई मुर्गियां, मैं क्या क्या जी गिनवाऊं आपको। इतनी चीजें हैं जिनमें करप्शन की बात आपने की, तो खान साहब के पास, अगर खान साहब को एक्सपीरियंस होता ना एज वेल, तो उनको कभी अवानों के चक्कर ना लगाने पड़ते, कभी बार बार पार्लियामेंट में ना जाना पड़ता, कभी बेचारा खुद से आकर स्पीचीज ना देता कि जी मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था। तो वो फिर बिल आखिर वही बात है कि अशराफिया से उनको भी हाथ मिलाना पड़ा, तो सिस्टम
आगे जा रहा है, करप्शन खत्म होगी, रानियों ने शाह से जान छुड़ानी तो अवाम ने सेक्रीफाई किया, ठीक है। तो इसी तरह जब अवाम, पाकिस्तानी नीड्स टू बी अ वननेस यूनाइटेड फर्स्ट, देन अदर देन दैट, हम पहले एक हों, एकता हों, हम में वननेस नजर आए, उसके बाद अच्छा फिर आप देखेंगे गुलाम गुजार रहेगा। सर आप क्या ये देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान जिस डगर पे जा रहा है ये वाकई कायदे आजम का या इकबाल का पाकिस्तान है? नो, नॉट एट ऑल। मैं लम्हा फिक्री है और ये तो एक बड़ी फिक्रमंद बात है कि उनके पास से भी नहीं गुजर रहा। तो कायदे आजम की हैसियत सिर्फ इतनी सी है कि वो नोटों पे छप रहे हैं और बस? ये देखिए बड़ी मैं कहता हूँ कि क्यों कहा था कायदे आजम ने भी ये बात, शिकवा किया था, एक जो अच्छा बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा, वो शिकायत करता है, शिकवा शिकायत ही करता है ना, कि मुझे माउंट एटन कहा था उन्होंने, इफ यू रिमेम्बर, आपको याद होगा। यस यस। तो माउंट एटन कहा था दीमक जदा, यस, दोस्तों से उन्होंने कहा कि जी मुझे आपने ये जो टुकड़ा पाकिस्तान ये खिता दिया एक दीमक जदा, तो अलबत्ता विच डजंट मीन कि मैं ये नहीं लूंगा ये, हाँ, तो बात करने का मकसद ये था कि उस वक्त की जो कैबिनेट थी जी जी, अभी आपके जनरल ग्रेसी वहीं पे थे, अभी अरोड़ा वहीं पे था, अभी सब लोग वहीं पे थे, और फिर चादर तानने के लिए यहाँ बंगाल का सिस्टम था, वहां ईस्ट इंडिया कंपनी अभी जा ही रही थी, तो एक कराची का एटमॉस्फेयर था 1947 को, हम इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन करंट अफेयर जैसे आपने अभी बात की कि यूथ हमारी कायदे आजम या स्पिरिट ऑफ इकबाल, फलसफा इकबालियात को क्यों नहीं पढ़ रही है, क्यों नहीं देख रही, तो उसकी फॉर्म में एक एग्जांपल देता हूं। आप शादी हॉल्स में कभी जाइए, जब खाना खुलता है ना, डॉक्टर साहब यकीन कीजिए कि बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे, मादरसे से मैं खुद को पढ़े लिखों में नहीं गिनता जी जी, तो उनको देखना है वहां के, आप देखें वो किस तरह से झपटते हैं खाने पर, पानी खड़ा हो जाए ना, इतना इतना पानी सड़कों पर, अक्सर ये पाकिस्तान का एक है, तो गुब्बारे की तरह गाड़ियां उड़ाते, मोटरसाइकिलें उड़ाते चले जाते हैं, ये इस्लामी तालीमात में लिखा है, अकाले सलातो सलाम की जिंदगी खुली क्यादत है, है तो यहाँ पे यही नहीं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो है सिर्फ नाम ही है, नाम नहीं है, तो जमहूरियत लूली लंगड़ी है, बल्कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है जी वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है, अलबत्ता ये इस पर हम बात करेंगे। सर आज हम हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हैं, ठीक ठीक, तो हम आपसे इस्तफादा हासिल करना चाहते हैं, हम भी और हमारे देखने वाले भी बहुत सारे लोग जो हैं जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप कुछ अपनी वोकैबुलरी में से कुछ प्रोनाउंसिएट करें ताकि हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे व्यूवर्स को उसके राइट प्रोनाउंसिएशन का पता चल सके, हालांकि हम डेली में, डेली लाइफ में यूज करते हैं लेकिन हम उसका रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो काइंडली आप थोड़ा सा। हाँ, ये एक मैं व्यूवर्स को भी, अच्छी बात है आपके शो के लिए, मेरे शो के लिए, कि व्यूवर्स में ये बड़ी रहेगी बात के, चलें हम जाते जाते एक दो जो बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, मिस प्रोनाउंस किया जाता है या ठीक से बोले नहीं जाते या उनकी थ्योरी में नहीं जाती, पब्लिक जो है ना, पब्लिक जैसे अनसॉल्व्ड अनआंसर्ड मिस्ट्रीज को अभी हम बयान करने जा रहे थे, बाल लंबी निकलनी थी जी जी। तो ये जैसे IMO है जी जी। उसको ईमो बोलते हैं, अब ईमो नहीं है, ये IMO ही रहेगा और IMO ही है, IMO, I mean in am my opinion, in my opinion से ये वर्ड है, फ्रॉम इटली, इज अ ऐप एप्लीकेशन फ्रॉम इटली, फिर उन्होंने थोड़ी सी इसमें इन साइक्लो में इसमें तरमीम की के इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आई से इंटरनेशनल, एम मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये तो IMO को IMO ही कहा जाएगा, ईमो नहीं कहा जाएगा। फिर इसी तरह स्टेपलर, जिसको स्टेपलर बोलते हैं, स्टेप स्टेपलर, तो स्टेपलर नहीं, स्टेपल, टांका, टांका लगाना, ये क्लाइंटल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, बड़ों के लिए, या बैंकिंग में अक्सर आप जाते हैं तो कहते हैं यार स्टेपलर लेके आना, तो स्टेपलर नहीं है, स्टेपलर है, स्टेबल, स्टेबल है तो जैसे यस यस,
तो स्टेपलाइजर को भी, जी वो भी स्टेबलाइजर है, स्टेबल करना, लाइट को स्टेबल करना, स्टेबलाइजर नॉट स्टेपलाइजर। तो इस तरह की प्रोनाउंसिएशंस या मिसयूज किए जाते हैं या गलत बोल, बिल्कुल गलत नाम है और माशरे में रासख हो चुके हैं, पब्लिक जाती नहीं है, उनकी बेसिस पे नहीं जाती। सर, अगर हम किसी को कहते हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, तो नेक्स्ट पर्सन जो भी हो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि अवाम को शऊर नहीं है, जाहिल है, या क्या है? देखिए पहले भी आवाम इतने ही फहीम थे, इतने ही जहीन थे, जितने लिटरली मैं बात कर रहा हूं आपकी, अच्छी बात है कि आज है। तो जो पढ़ा लिखा तबका है, जो पढ़ा लिखा माशरा है, आप यकीन कीजिए मैंने बहुत से शोज कर रखे हैं, हिस्ट्री 360 भरा पड़ा इससे, साइट टीवी ऑल्सो, तहरीक टीवी ऑल्सो, एशिया टीवी ऑल्सो, फिर मेरे मैगजीन बहुत से। तो मैंने महसूस किया कि इससे वाकई फर्क पड़ता है, इसमें कम से कम कुछ नहीं। तो मैं कहता हूं कि मेरी इस बात से अगर एक दो बंदे भी अपनी डायरेक्शन ठीक कर लेंगे, जी दो बंदे भी ठीक कर लें, आइंदा IMO ही कहेंगे जी, IMO पे बात करते हैं, कितना प्यारा है, IMO पे बात करते हैं। इमो, व्हाट इज मीनिंग इमो? सो कहने का मकसद ये कि अब भी फहीम लोग हैं, जहीन है, इंटेलेक्चुअल और माइनी है, इस पर कभी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। हाँ, इंटेलेक्चुअल और अब भी स्किलफुल बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं जो अडॉप्ट करते हैं, और एक बंदा भी लगेगा तो मेरा ये काम, मैं समझूंगा कि राय लेला ये पूरा हो गया। थैंक यू जी वेलकम। जी। नाज़रीन व्यूवर्स, देखते रहिए मिस्टर साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे।